हम आपके सदाए हिंद उर्दू मौलाना इम्तियाज साहब काशिफी दामद बरकातुहुम के चैनल से जी उम्मत मुस्लिमा को ये आगाह करना चाहते हैं कि खासकर मसाजिद के जिम्मेदार को कि वो अपने मसाजिद के दस्तावेजात की अवलिन फुर्सत में फिक्र करें, तमाम जो अपने वो अपने कामों को बाला इताक रखकर इसकी तरफ तवज्जो दें। नाजरीन सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्ला खान काशिफी। बेंगलोर शहर में अब BBMP की तरफ से मजहबी मकामात व इबादत गाहों के दस्तावेजात पेश किए जाने को लेकर नोटिस जारी की जा रही है। इस तौर पर शहर की कई मसाजिद के जिम्मेदारों को बेदार होते हुए देखा जा रहा है। शहर की मशहूर व मारूफ मस्जिद मुजम्मिल अहमद को भी दस्तावेजात पेश करने नोटिस जारी की गई है। मस्जिद मुजम्मिल अहमद नागवारा के जिम्मेदार यूनुस अहमद शरीफ ने इस सिलसिले से सदाए हिंद उर्दू चैनल से बात करते हुए इस मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद मुजम्मिल अहमद जबकि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर और पक्के दस्तावेजात रखती है, बावजूद इसके BBMP की तरफ से मस्जिद इदारे के दस्तावेजात पेश करने नोटिस जारी की गई है। यूनुस अहमद शरीफ ने कहा कि इस सिलसिले से अतराफ वकनाब की मसाजिद के जिम्मेदारों को हरकत में आते देखा गया, इसलिए इस काम को संजीदगी से हल करने इंतशार से बचने उलमा की सरपरस्ती में एक मीटिंग मस्जिद मुजम्मिल अहमद में मुनक़िद की गई। कई मसाजिद के जिम्मेदार मुफ्ती हुसैन सदर जमीत उलमा हिंद बेंगलोर, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शमशुद्दीन, दीगर उलमा शरीक रहे, इस पर गौर व खौज किया गया। पर सही ना हो, अब जो BBMP की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिसें आ रही हैं, ये हमारे लिए बेदार करने के लिए, बेदार हमारे लिए बेदार होने के वास्ते बहुत ही अहम जरिया है कि हम बेदार हो जाएं। अगर हमने मस्जिद की जगह खरीदी है और उसको रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्टर कर लें, उसका खाता कंदाया बनाएं और उसको ट्रस्ट की तरफ, ट्रस्ट की जानिब, ट्रस्ट के नाम उसे रजिस्टर करें, जैसे भी उसके उसूल और कवानीन हैं उसके मुताबिक जी कर लें। उमूमन वो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उस पर भी बस कर लिया जाता है, इतनी बात काफ़ी है, GPO है या अग्रीमेंट है नहीं। कल हमारे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब जो हमारे जमीत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो जी फरमा रहे थे कि उमूमन जगह लाखों रुपये में खरीद ली जाती है लेकिन रजिस्टर नहीं की जाती, उसमें सुस्ती बरतते हैं। ये जो नोटिस आई है ये हमारे लिए इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही है कि तमाम मस्जिदों के जिम्मेदार और मदारिस के जिम्मेदार जो भी हैं वो शफाफियत का मुजाहरा करें और मुकम्मल तौर पर अपना डॉक्यूमेंट, अपना दस्तावेजात दुरुस्त रखें ताकि हम किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े। सब बात कीजिए जो BBMP की तरफ से जो दस्तावेज पेश करने के ताल्लुक से जो बात सामने आई है, कल मजमिल मस्जिद में भी आपकी जिम्मेदार मसाजिद जुड़े हुए थे, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए, क्या करना चाहते हैं आप, इस अगले इकदाम आप क्या होंगे, तो इस तरह की बात। बस ये काम एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करने को से कर्नाटका में हाई कोर्ट का भी एक आर्डर है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नस्बत से केस अंडर प्रोसेस है। ये तो ये आर्डर इम्प्लीमेंट करने के वास्ते जो BBMP के नुमाइंदे हमारे दरमियान आ रहे हैं और जो मकसद से आ रहे हैं, एक अच्छी पहल है क्योंकि अवामी जगहों पे इबादत गाहें बनना एक मुनासिब तो नहीं है और इसे ये नोटिसों को लेकर हमारे जिम्मेदार परेशान भी ना हों, क्योंकि ये क्या है, किसी खास एक मस्जिद को निशाना नहीं है, हर इबादतगाह चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वार हो, हर एक को भी नोटिस हो रही है लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, आसानी के लिए, आसानी का। तो इसमें ये जो नोटिस दे रहे हैं इसे हमें कबूल करना है, मगर एक बात यहाँ ये है कि मैं BBMP कमीशनर से ये कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है रोडों में फुटपाथों इंक्रोचमेंट है उसको निकालने का आर्डर है, इसके अवज़ में मसाजिद के जिम्मेदारों को नोटिस देना, इसके अगेंस्ट में दस्तावेज मांगना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि BBMP क्या है, शहर सारे शहर के रेवेन्यू रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। आज से 8-10 साल पहले वो GS का एक GIS सिस्टम का निज़ाम बनाए थे जिसके तहत हर प्रॉपर्टी का उनका एक नंबर था और कब कब क्या बना पूरा उनका रिकॉर्ड है, वो खुद जानती है कि कौन सा सर्वे नंबर सरकारी है, कौन सा सर्वे नंबर निजी है। अब निजी अदारों को नोटिस देकर दस्तावेज मांगना ये एक उतना मुनासिब नहीं है। मैं कमिश्नर से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि
कि जहाँ तक हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है रोडों को फुटपाथों को इंक्रोचमेंट करना और इसको क्या है निकालने की मुहिम में ऑफिशियल को तरगीब दें, बिला वजह मसाज के जिम्मेदारों को नोटिस देना परेशान करना और वक्त और माहौल के तबादले मुनासिब नहीं। मेरा एक अपील हमारे शहर बेंगलुरु के कमिश्नर मंजुनाथ सर को है, ख़ासकर यह BBMP की नोटिस शहर के लिए महदूद है, जहाँ तक BBMP की लिमिट है वहाँ पे ये नोटिसें दे रहे हैं, दीगर अज़लाओं में या दीगर जगहों पंचायतों में वो अलग काम कर रहा है। अब हमें हम लोग यहाँ पे मुतफिक्र हैं BBMP के लिमिट के जो इबादगाहों में जो यह नोटिस आ रही है इसको लेकर हम मुतफिक्र हैं। पहल तो अच्छी है मगर निजी ज़मीन होने के बावजूद तहकीकात की नस्बत से दस्तावेज़ मांगना ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट खुद जानती है कि कोसी गवर्नमेंट की जगह है, कोसी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, कोसी निजी प्रॉपर्टी है। BBMP के पास सारे सारा निज़ाम मौजूद है, उसी के अवज वो क्या है टैक्स भी कलेक्शन करते हैं। कोई अगर टैक्स बाकी है तो बाकायदा वो फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका टैक्स बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो बेहतर जानती है कौन सी जगह गवर्नमेंट की है, कौन इंक्रोचमेंट किया है। अगर कोई गवर्नमेंट की जगह इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो उनको बराह रास्त हवाले के साथ नोटिस दें तो अलग मसला है। आम मसाजिदों को हर एक इबादत मैं मसाजिद नहीं बोल रहा हूँ हर एक इबादत गाहों को धार्मिक जो हर एक आदमी परेशान है इसको देखकर परेशान करना मुनासिब नहीं है। ये क्या है मैं मंजुनाथ सर हमारे कमिश्नर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर नज़रसानी करें और कोर्ट को क्या है इसको एक एफिडेविट दें तो हम तहकीकात कर जो हमारे रिकॉर्ड के मुआफिक जो इंक्रोचमेंट है उसको हमें अपडेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या है देना परेशान करना मुनासिब नहीं है। कोर्ट को भी एक एफिडेविट देकर ये जो निजी जगहों पर जो इबादतगाह हैं इनको नोटिस देना मुनासिब नहीं है और नोटिस देकर फिर उनको फ़ोन कर दो दिन में आप दस्तावेज हो तीन दिन में दस्तावेज हो ये मुनासिब बात नहीं है। इसको अगर नज़रसानी हो गई तो बहुत अच्छा है। ये मसला दूसरे मजाहब के इदारों पर भी जी हर चर्चों को भी दी जा रही है, मंदिरों को दी जा रही है, गुरुद्वारों को दी जा रही है। अच्छा, कल जो मजमिन मस्जिद के अंदर जो जिम्मेदारों की मीटिंग मनाई थी यहाँ क्या आप अजामिया से? बस यही एक मसला था कि चूंकि मुझे भी यहाँ पे एक नोटिस मिली मौजूद मुजम्मिल को नोटिस मिली क्योंकि मौजूद मुजम्मिल एक निजी प्रॉपर्टी में बनी हुई है और ये वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर है और जहाँ तक इसके दस्तावेज़ बहुत मजबूत हैं, मस्जिद के तामीरी का भी इस पर लाइसेंस हमारे पास है, टैक्स एग्जाम्पल सर्टिफिकेट मतलब BBMP खुद जानती है कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट एकदम अपडेट हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे नोटिस देना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं खुद गौर करने लगा जब हमारे जैसे मजबूत अदारों को नोटिस मिली है तो शहर में बहुत से ऐसे धार्मिक इबादतगाहें हैं यहाँ पे ऐसा नोटिस देकर परेशान करना मुनासिब नहीं। इसलिए मैं सोचा कि सारे जिम्मेदारों को जमा करेंगे, हालात से आगाह करेंगे, अगर गलत हैं तो उसको सही करने की तरगीब देंगे और इसे कहे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ रोड और चौराहे फुटपाथों के लिए हद तक है, ये इसमें देना मुनासिब नहीं। उसमें भी कट ऑफ एक डेट भी लिखे हैं 20/9/2009 के बाद के बंधे हुए चीज़ों को आप दस्तावेज मांग रहे हैं, उससे पहले अगर पुराने हैं तो उनको देने की भी ज़रूरत नहीं है। और 20/9/2009 के बाद भी जो बने हैं अगर निजी जमीन पर बने हैं जी वो भी क्या है क्यों डॉक्यूमेंट दें जी जी। तो मैं फिर भी BBMP के तमाम जिम्मेदार खासकर जो हमारे कमिश्नर हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप बेहतर जानते हैं कि शहर के कौन से इलाके में कौन से वार्ड में कौन से सर्वे नंबर में गवर्नमेंट की जगह है या प्ले ग्राउंड बना है या पार्क बना है या लेक है, जो भी आप बेहतर जानते हैं आप ये हवाले के साथ अगर कोई अगर पार्क की जगह में कोई मस्जिद बना है, कोई इबादतगाह बने हैं या प्ले ग्राउंड में बने हैं या रोडों में भी बन गए हैं तो आप बेहतर जानते हैं हवाले के साथ, तो उनको मेंशन कर आप नोटिस देंगे तो ये अलग बात है। इसके बरखिलाफ जो आम निजी इदारों में जो नोटिस का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो हाई कोर्ट में अपील PI दायर करें, उस कमिश्नर को बस कमिश्नर कुछ नहीं इंजीनियर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बेहतर इंजीनियर सेक्शन जानती है, इंजीनियर सेक्शन डायरेक्शन दिया तो फुटपाथ और राजकाल में और लैंड मतलब पार्क में जो धार्मिक जो संस्था बन कर है उनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। वो हर एक मस्जिद है, देवालय है, गुरुद्वारा है, हर एक के पास डॉक्यूमेंट है पुराना,
2009 से पहले बहुत से, 2009 के बाद में डॉक्यूमेंट के साथ ही जो फुटपाथ के बारे उनके इस मुतालुक मालूमात और बेदारी लाने के लिए शहर के चार हिस्सों में दफ्तर का क्याम अमल में लाने मुफ्ती हुसैन और यूनुस अहमद शरीफ ने एक तजवीज़ पेश की ताकि मसाजिद और इदारों के जिम्मेदारों को सहूलत मिल सके। यूनुस अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में मुस्लिम मुजम्मिल अहमद ने सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक दफ्तर का क्याम अमल में लाया गया है ताकि मसाजिद इदारेजात के जिम्मेदारों को मदद मिल सके। अगर किसी मसाजिद के दस्तावेज़ की अगर किसी को स्क्रूटनी करना है तो इसके लिए यहाँ पे एक जमात हाजिर है जो रोज़ाना 10 से 12 बजे तक मस्जिद मुजम्मिल के पार्किंग के अहाते में एक ऑफिस है जिसे नागवार रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ पे ये अहबाब आपकी खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। अपने दस्तावेज लाकर यहाँ पर करेक्शन कराकर उसे आगे क्या करना सलाह ले सकते हैं। इस सिलसिले में बेहतर ये है कि जैसे हमारा ये मस्जिद मुजम्मिल ये भी हमारा मरकज़ है जी, हमारे बेंगलुरु में चार मरकज़ हैं, चार मरकज़ के करीब में चार ऑफिस अगर बन जाए तो लोगों में बेदारी पैदा करने के वास्ते ये बहुत अच्छा रहेगा। कुमारपेट है, सुल्तान शाह है और उसके करीब में कहीं पर ये मरकज़ बन गया। जैसे जैसे इस तरह यहाँ पर एक जैसा बेदारी करने के लिए लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए उनको दुरुस्त करने के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके सरबराह जनाब यूनुस शरीफ साहब हैं। ऐसे ही हर जगह चारों जगह कम अज़ कम बेंगलुरु को चार हिस्सों में तकसीम करके चार जगह बना दें तो इंशाअल्लाह ये लोगों को मुतवज्जे होने के लिए रुजू होने के लिए बेहतर रहेगा। मुफ्ती साहब इसी तरह दूसरे अजला जो हैं कोला है, तुमकुर है, चिबलापुर सब जगह बेदारी करनी चाहिए सब जगह। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम अजला के मसाजिद के मदारिस के जिम्मेदारों से वो अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त फरमा लें जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ साथ हिसाब का मामला भी सही रखें जी, आमद खर्च वगैरह का मामला भी सही रखें। शुक्रिया आपने सदाई उर्दू के लिए अपना कीमती वक्त दिया है और आवाम को उजागर करने के लिए दस्तावेज़ बनाने के लिए आपने एक बेहतरीन राय पेश की है। सदाई उर्दू की तरफ से आप सबका शुक्रिया है।